के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसको पद्मा एकादशी या कर्मा एकादशी कहते हैं। श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महात्मा ये कौन सी एकादशी है, इसके करने से क्या फल है। तो कृष्ण जी बताते हैं, सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए थे। वे प्रजा का अपने औरस पुत्र के भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता, मानसिक चिंताएं नहीं सताती, व्याधियों का प्रकोप नहीं होता। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का संग्रह होता था। उनके राज्य में समस्त वर्णों आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मांधाता की राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने के मारे उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुआ। भोग से पीड़ित सारी प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनसी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोग का कथन सत्य है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है कि पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा कुछ गिने चुने लोगों को लेकर के सघन वन में चले गए और वहाँ तपस्वियों के आश्रमों में घूमते फिरे। एक दिन अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भर कर अपने वाहन से उतर पड़े। इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम युग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस धर्म को 4 चरणों से युक्त होता है। इस समय धर्म अपने 4 चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण से मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो जिससे यह अनावृष्ट का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या कर रहा है और दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोषों को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा कर्मा नाम से विख्यात एकादशी है, उस व्रत से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और प्रजाजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए।
उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से प्लावित हो गई, हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए, साथ ही छाता जूता भी देना चाहिए। दान करते समय यह मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोघ संचयम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायकः। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करने करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, गोविंद गोपाल की जय। एकादशी व्रत कथा जरूर सुनें।